हेलो, वेलकम टू माय किचन। आज माय किचन में इंस्टेंट प्रीमिक्स सीरीज में आएंगे सांभर मिक्स। चलिए, सांभर के प्रीमिक्स बनाने के लिए मैंने तुअर की दाल आधा किलो ली है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। इसे ज़्यादा देर भिगो के नहीं रखना है, नहीं तो सूखने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगी। इसे बस अच्छी तरह से धो देना है और इसे सूखने के लिए डाल देना है। कई लोग उसे तुअर की दाल बोलते हैं, कई लोग अरहर की दाल बोलते हैं। जब ये बिल्कुल सूख जाए अच्छी तरह से, देखिए इसका कलर भी थोड़ा वाइटिश हो गया है। एक कढ़ाई में इसे बिना तेल सेकने के लिए रखूँगी। इसमें 2 चम्मच मैं चने की दाल, 2 चम्मच साबुत धनिया, 4-5 लाल मिर्च और 1/2 चम्मच मेथी दाना डाल दूँगी। 1 पत्थर का फूल, जिसे तेज पान का फूल भी बोलते हैं, वो भी डाल दूँगी। अब ये बिल्कुल जब ठंडी हो जाएगी तब मैं इसमें थोड़ी सी हींग और 3 चम्मच नमक डालूंगी। मैं 1 चम्मच हल्दी डाल के इन्हें मैं अच्छी तरह से पीस लूंगी। इनका फाइन पाउडर बनाना है, क्योंकि थोड़ा सा भी मोटा रह जाएगा तो ये दाल गलने में टाइम लगेगी। अब तड़के के लिए मैं 1 कढ़ाई में घी ले लूंगी। इसमें घी का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो कुकिंग ऑयल में स्मेल हो जाती है, क्योंकि ये प्रीमिक्स हमें ज़्यादा टाइम तक भी रखते हैं। फिर उसमें राई, जीरा और कड़ी पत्ता डाल के साबुत लाल मिर्च डाल देंगे। जब ये तड़कने लगेगा तब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि हमने पीसने के टाइम भी साबुत लाल मिर्च डाली है। डालते ही हमें ये मिक्स डाल देना है ताकि वो जले नहीं। अब इसे अच्छी तरह से घुमा के हमें 5 मिनट तक भूनना है। इस प्रीमिक्स को अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद ही इसे किसी कंटेनर में भरें। इस प्रीमिक्स को हम बाहर 1 महीने तक और फ्रिज में रख के 3-4 महीने तक इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इस प्रीमिक्स के जब हम सांभर बनाएंगे तब इसमें वेजेस और ये डाल के जब गल जाएं तभी इसमें खटाई डालें। मैंने इसमें पहले खटाई यूज़ नहीं की है। ये प्रीमिक्स रेडी है।